अनुशासित पार्टी कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी एक बार कार्यकर्ताओं के आपसी झगड़े को लेकर चर्चा में है। कुशीनगर जिले का हाटा विधानसभा, जहां पिछले दिनों में पार्टी के संगठित चुनाव के दौरान कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे, वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर के कार्यक्रम के बाद आपसी कहासुनी को लेकर एक बार फिर भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और कार्यक्रम के आयोजक युवा नेता अभय प्रताप राव और भाजपा के दूसरे फ्रंटल नेता के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट भी हुई। यह मामला हाटा कोतवाली के रतिया देवरिया का है, जहां दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। आरोप है कि एक पक्ष के कार्यकर्ताओं ने घर में घुसकर गाड़ियों में की तोड़फोड़। भाजपा नेता के आपसी विवाद के बाद हाटा कोतवाली छावनी में तब्दील हो गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में ले लिया। पीड़ित अभय प्रताप राव का कहना है कि हाटा विधायक के आदमी आए दिन हम सभी के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। वहीं हाटा विधायक पवन केडिये ने कहा कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक गौरव वंशवाल ने बताया कि दोनों पक्षों से लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, मामले की छानबीन की जा रही है। आज ये लड़का द्वार पर बैठा था, जैसे पेंटिंग घर पर काम हो रहा था, ये लोग जाते जो है न पूछे हैं न जाते हैं। अब वो डंडा उंडा पांच गाड़ी थी तो दो गाड़ी तीन का वहीं पर जनता जब जुटे हैं तो इन लोगों को मारे पीटे हैं। हमारे घर का तो कोई एक ही लड़का था हमारा, अब ये लोग 25-30 आदमी थे ये लोग। अब उसके बाद जब जनता औरत जुटी है तब ये लोग जो है जब मारना शुरू किया है तब ये भागना शुरू किया है। पता ना ये सब हमको नहीं बताया लोग किसकी इनकी पे चोट नहीं, आपके तरफ से किसको किसको चोट? हमारे तरफ से हमारे लड़के को लगा है, हमारे औरत के बंदूक की कुंदे से मारे हैं लोग। बंदूक भी आई थी? हाँ। और घर में? और घर में कुछ बच्चे जो अब अंदर थे वो रंग रहे थे, वो जब तक आए हैं तब तक ये लोग मारना शुरू किए थे। अब लड़के अब चिल्लाना शुरू करे तब उधर से जनता जुटी है। रैली का ही मामला था या और भी कोई पहले का? कोई अब इन लोगों से झगड़ा हमसे हुआ ही नहीं है इसके पहले। जो अभी हुआ है भाजपा कार्यकर्ताओं आपस में तो मैं मारते, क्या है पूरा मामला? ये आज दोपहर में हाटा थाना कोतवाली जो है इसी में रदिया गांव पड़ता है, इसमें मारपीट की सूचना मिली, जिसमें बताया गया कि गाँव में दो गुटों में मारपीट हो गई है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंची और इनमें जो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा किया था उनको हिरासत में ले लिया है। इनमें जो लोग चोटिल हैं उनका इलाज किया जा रहा है और दोनों तरफ से मुकदमा कायम किया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जो ये पक्ष हैं इनका जो राजनीतिक लिंक है उसकी पूरी जाँच की जाएगी और क्या कारण रहा इसकी भी जाँच की जाएगी। जो प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है वो ये है कि एक लड़के के साथ कहीं पे मारपीट हुई थी सुबह, उसी को लेकर के दोनों पक्ष जो हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा किए। यहाँ पे मुकदमा कायम किया जाएगा और जो जो नामजद है उनकी गिरफ्तारी करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मेरे पर लगाए गए जो भी आरोप हैं वो एकदम से बेबुनियाद है, जिसका हमसे कोई वास्ता नहीं है। आरोप लगाने वाले जो भी लोग हैं इनका इतिहास क्या रहा है और हमारा इतिहास क्या है ये भलीभांति हाटा क्षेत्र विधानसभा की जनता जानती है। माफिया किस्म के ये लोग हैं जिनकी झलकियां आज दिखी हैं वहां पर। हमारे पर आरोप लगा रहे हैं कि हमारे लोग मारपीट कर रहे हैं, विधायक जी के लोग मार रहे हैं, साबित करके ये दिखा दें। किसी भी तरह का आरोप मैं कहीं मारपीट और गुंडे में विश्वास नहीं। मंत्री जी के आने की सूचना की बात है, हमारे विधानसभा में माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है, ना जिलाध्यक्ष जी को जानकारी है उस चीज की, ना हमारे किसी संगठन को जानकारी है पूरा जिला कमेटी की, या वहां मैं लोकल का वर्तमान में वहां का जनप्रतिनिधि हूं, हमें भी उस चीज की कोई जानकारी नहीं थी। हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम क्या हमारे लिए कष्ट का विषय नहीं है? ठीक है, आपने कार्यक्रम लिया है, कम से कम आप एक बार मिल करके कहते कि विधायक जी मंत्री जी का कार्यक्रम लग गया है। मैं उस दिन अपने निजी कार्यों में मस्त था, मैं चला आया था गोरखपुर, इसलिए हमारी उपस्थिति नहीं रही। कैबिनेट मंत्री आए थे तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे उनको जुटाने का प्रयत्न किए, उसमें माननीय विधायक जी किस वजह से नहीं आए ये हम लोग नहीं जानते, लेकिन उनके जो गुंडे बनाए जा रहे कुछ लोग हैं जिनको वो खुद सराय दे के गुंडा बना रहे हैं, वो लोग आज उस कार्यकर्ता को, एक बड़हरा का कार्यकर्ता था अंकित शुक्ला जी, वो पोखर भिंडा वाले मोड़ जो हमारे गांव के पीछे पड़ता है वहां आ रहे थे, उनको रोक के वो लोग बहुत बुरी तरह मारे हैं।
हमारे पिताजी गांव पे थे, हम लोग फ़ोन किए, हम पापा ही ऐसी ऐसी बात है, पिताजी उसके दरवाजे पहुँचे, पीछे से मेरी गाड़ी भी पहुँची, हम लोग जैसे ही पहुँचे ये समझाने के लिए कि बाबू ये कुल का करते हुआ, तब तक लाठी तलवार ईंटा पत्थर ऊपर से मेरी दोनों गाड़ी मेरी दोनों गाड़ियों को क्षतिग्रस्त ये लोग किए। गांव के सारे लोग वहां जब एकत्रित हुए तब लोग ये लोग भाग निकले वहां से और हमारे पिताजी वहां पे बेहोश हो गए थे, तो उनको लेके आना मेरी मजबूरी थी कि पहले इनका प्राथमिक इलाज कराया जाए। कोतवाली में आने के बाद जो उनका रवैया था माननीय कोतवाल साहब के साथ, वो कोतवाली में आए और आते समय भी वो प्रशासन के बीच में भी वो हमें अरे पिताजी को घूरे जा रहे थे। सब्र का इम्तिहान इतना ज़्यादा लिया जा रहा है, प्रशासन यहाँ कुछ नहीं कर रही है। मैं भाजपा से जुड़ा हूँ, मैं भाजपा में जुड़ के भाजपा की सक्रिय सदस्य बना, मैं भाजपा के लोगों का जो भाजपा का विचार है उसको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में ना किसी विधायक का विरोध करता हूँ, ना किसी नगर पालिका अध्यक्ष का विरोध करता हूँ। हमारे अगुआ अगर विधायक जी हैं तो हमारा उनसे विरोध कैसा, किस तरह गुंडे पैदा किया जा रहा है, किस तरह से प्रशासन यहाँ बेबस दिख रही है, किस तरह प्रशासन अपना काम नहीं कर रही है और उल्टा प्रशासन जो भी कंप्लेन लेके आता है उसके खिलाफ एक्शन लेने लगती है। प्रशासनिक कार्रवाई से संतुष्टि मिली आपको? बिल्कुल नहीं।